इंदौर में जहां एक ओर चोरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर चोर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां साइबर सेल ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल साइबर सेल ने फरियादी बैजनाथ द्विवेदी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। फरियादी बैजनाथ द्विवेदी के अनुसार आरोपी अरुण साहू पीथमपुर की एक फैक्ट्री में काम करता है। वहीं आरोपी ने कई दिनों तक बैजनाथ द्विवेदी की मदद की और उसके SBI क्रेडिट कार्ड पर अपना मेल ID अटैच कर दिया, जिसके बाद क्रेडिट कार्ड के OTP मेल में आना शुरू हो गए। आरोपी अरुण ने लगभग 4 लाख रुपए का सामान उस क्रेडिट कार्ड से खरीदा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। 7 दिसंबर को राज्य साइबर सेल इंदौर के कार्यालय में बैजनाथ द्विवेदी हैं, ये मूलतः सेक्टर 1 पीथमपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने शिकायत की थी कि इनके क्रेडिट कार्ड से किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 4 लाख रुपए के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स किए हैं। शिकायत की जांच पर से इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और जब इसमें विवेचना की गई तो पाया गया कि उनके जो सामने ही एक व्यक्ति रहता है, जिसका नाम है अरुण साहू, जो वहाँ पर प्रतिभा एक फैक्ट्री है उसमें सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है, ये अक्सर उस अरुण साहू के पास मदद मांगने और SBI की जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को ठीक से चलाने के लिए अक्सर जाया करते थे जो फरियादी हैं। तो अरुण साहू ने क्या किया कि एक फर्जी ईमेल आईडी बनाया, एक मोबाइल और सिम जो उनके नाम से नहीं था, फर्जी नाम से था, उसका उपयोग करते हुए एक फर्जी ईमेल आईडी बनाया और उनका SBI क्रेडिट कार्ड उस ईमेल आईडी से लिंक कर लिया। तो जो भी OTP उसके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स के आते थे वो उस ईमेल आईडी पे आने लगे और उसने फिर उसका क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए 21 ग्राम सोना ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया, 2 iPhone के ऑर्डर किए और एक रेडमी फ़ोन जो है वो भी मंगाया और 90,000 रुपये के उसने गिफ्ट वाउचर्स भी फ्लिपकार्ट से प्राप्त किए। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ सामान भी जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।